हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। आज हम क्लास 12th में लेक्चर 3rd है ये, और हम इनडेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेशन कर रहे थे। आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। नाम से ही पता लग रहा है सब्स्टिट्यूशन, हमें किसी की जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए कैसे है, थ्योरम क्या है। एक, इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज अगेन ए फंक्शन ऑफ टी। अगर इंटीग्रेशन की फॉर्म में जो एक्स है वो फर्दर किसी का फंक्शन है, टी का फंक्शन है, और इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, फाइ टी। एक्स किसका फंक्शन है, समथिंग टी मान लिया, फाइ ऑफ टी का फंक्शन है, और डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, फाइ डैश टी डी टी। देखिए कैसे आई है, एक्स किसका फंक्शन है, फाइ ऑफ टी का, डेरिवेटिव कीजिए 1 इक्वल टू फाइ डैश टी, हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, और डी एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हमारे पास, फाइ डैश टी डी टी। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ डी एक्स को रिप्लेस किया है फाइ डैश टी डी टी से। वर्किंग रूल क्या कहता है, अगर फंक्शन इस फॉर्म में है तो हमने उसको किसके फॉर्म में लाना है, कुछ मान के, और पूरे फंक्शन को हमने फर्दर टी की फॉर्म में चेंज कर देना है। दो और डिडक्शंस हैं ये और याद रखनी है। अगर इंटीग्रेशन है, फंक्शन दे रखा है, उसकी पावर एन है, और मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, ये सिर्फ एफ एक्स की पावर एन का ही है, एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस में सी। और अगर सिमिलरली कंडीशन क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है, ठीक है, अगर इस टाइप की कंडीशन है तो हम क्या लिख देते हैं इसको, देखो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे हम डेरिवेटिव को भूल रहे हैं और यहाँ पे हम डेरिवेटिव को भूल रहे हैं। इन दो को हम डायरेक्टली यूज करेंगे जब हमारे पास बड़े सम आएंगे, बट अभी फिलहाल इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, अभी एग्जाम्पल्स में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। अब एग्जाम्पल्स देखिए, हाँ जी स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। सबसे फर्स्ट काम जो आपने देखना है कि किसको हम t माने कि हमारा जो डेरिवेटिव वाला है वो एडजस्ट हो जाए, वो t की फॉर्म में आ जाए। हमने क्या किया, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 को हमने लिख दिया एक्स की पावर 4 और इसकी पावर 2 dx। ऐसा क्यों लिखा, देखिए अगर हम x की पावर 4 को t पुट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, x की क्यूब की फॉर्म में, और वो हमारे पास t की फॉर्म में आ जाएगा, इसीलिए हमने x की पावर 8 को x की पावर 4 में चेंज किया। डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, 4x क्यूब डी टी बाई डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है हमारा डेरिवेटिव, दिस इंप्लाइज 4x क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी, बट हमें सिर्फ वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की क्यूब और डी एक्स की वैल्यू चाहिए, फोर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में, 1/4 डी टी। अब जो हमारा जो इंटीग्रेशन था ये क्या बन गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 को टी पुट कीजिए, टी स्क्वेयर और एक्स क्यूब डी एक्स, ये सारा हमारा क्या बन गया था, 1/4 डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, 1/4 टेंजेंट इनवर्स टी प्लस सी, टी को वापस एक्स के फॉर्म में लाना ना भूलें, क्या आएगा, 1/4 टेंजेंट इनवर्स, टी की वैल्यू क्या थी, एक्स की पावर 4 प्लस सी। ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो डायरेक्ट अगर इस फंक्शन को हम देखें, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स की 8 डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन बहुत टिपिकल हो जाता, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, इसको टी की फॉर्म में चेंज किया और हमें एक बहुत इजीएस्ट सा फंक्शन मिल गया जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है, फिर वापस इसको जो माना था सब्स्टिट्यूट किया था वापस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि हम किस फॉर्म में चेंज करें, किसको टी पुट करें कि हमारा फंक्शन चेंज हो जाए। नेक्स्ट देखिए, 2 प्लस 3x अपॉन 3 माइनस 2x dx, इसमें हम क्या पुट करते हैं, लेट पुट किया
थ्री माइनस टू एक्स को हमने क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया। डेरिवेटिव कीजिए माइनस टू डी टी बाय डी एक्स, और इससे तो माइनस टू डी एक्स इक्वल टू डी टी, या बात करें डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस वन बाय टू डी टी। इससे कुछ खास तक नहीं पड़ रहा क्योंकि हमारा सारा फंक्शन चेंज नहीं हो रहा। हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। एक्स माइनस टू एक्स की वैल्यू क्या आई है, टी माइनस थ्री, चेंज करेंगे टू एक्स की वैल्यू क्या आएगी, थ्री माइनस टी, और एक्स की वैल्यू क्या आएगी, थ्री माइनस टी बाय टू। अब आगे एक्स की वैल्यू टी की फॉर्म में यहां पुट कर देंगे, ये ऑलरेडी टी की फॉर्म में है, डेरिवेटिव की टी की फॉर्म में वैल्यू निकाल ली, यानी कि सारा हमने टी के फॉर्म में चेंज कर दिया। क्या बना टी की फॉर्म में चेंज होने के बाद, टू प्लस थ्री, एक्स की वैल्यू रखिए टी की फॉर्म वाली, थ्री माइनस टी बाय टू, थ्री माइनस टू एक्स, सारे को हमने क्या माना था, टी, डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, माइनस वन बाय टू डी टी। सॉल्व कीजिए, जस्ट एक सिंप्लीफिकेशन बन गया। आप एलसीएम लेंगे यहां पे, फोर प्लस नाइन माइनस थ्री टी, नीचे आएगा टू टी, और माइनस का साइन, वन बाय टू से मल्टीप्लाई, ये क्या जाएगा आपका, फोर डी टी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए, नाइन और फोर क्या हो गए, थर्टीन माइनस थ्री टी अपॉन फोर्टी डी टी। अलग अलग कर लीजिए, इंटीग्रेशन की फॉर्म होती है, प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की, अगर दो का इंटीग्रेशन है तो हम उसे अलग अलग कर सकते हैं, फोर्टी डी टी माइनस थर्टीन बाय फोर, वन बाय टी, वन बाय टी का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ टी, प्लस थ्री बाय फोर, टी से टी कैंसिल आउट, वन तो है, वन का इंटीग्रेशन टी प्लस सी। टी को वापस एक्स की फॉर्म में चेंज करना न भूले, थ्री माइनस टू एक्स क्या आएगा, माइनस थर्टीन बाय फोर लॉग थ्री माइनस टू एक्स प्लस थ्री बाय फोर थ्री माइनस टू एक्स प्लस में सी। ये एक मेथड था, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया है, ठीक है, सिंपली था, हमें पता नहीं लग रहा था हम किसको टी पुट करें, हमने अपनी तरफ से फंक्शन थ्री माइनस टू एक्स को टी पुट कर लिया, और वहां से हमने एक्स की वैल्यू टी की फॉर्म में निकाल दी, डीएक्स की वैल्यू टी की फॉर्म में निकाल दी, सारा फंक्शन हमारा टी की फॉर्म में बन गया, और एक बहुत ईजी सा इंटीग्रेशन बन गया जिसको सॉल्व कर लिया और वापिस टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हमने कर दी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इंटीग्रेशन साइन टू टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स इंटीग्रेशन। यहां पे तो आपको साफ पता चल जाएगा, पुट टेंजेंट इनवर्स एक्स को हमने क्या पुट किया, टी पुट किया। टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, डी टी। देखो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, डी टी। तो हमारा इंटीग्रेशन किस में चेंज हो गया, सारा साइन टू टी और डी टी। देखो इतना बड़ा इंटीग्रेशन हमारा सिंपल सा बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू टी डी टी, क्योंकि ये सारी वैल्यू डी टी में चेंज हो गई है, इसको हमने टी माना ही था। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू टी, इस टी को कहां जाएगा, ये डिवाइड में प्लस में सी। आंसर में टी को दोबारा रिप्लेस करना ना भूलें, माइनस कॉस टू टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय टू प्लस में सी, ये इंटीग्रेशन था। इस क्वेश्चन में जैसे देखते पता लग गया था कि हमने टेंजेंट इनवर्स एक्स को टी पुट करना है, ऐसे ही जब बार बार आप रिवीजन करोगे, बार बार सब निकाल के देखोगे, तो इजीली देखते ही पता चल जाएगा कि हमने किसको टी पुट करना है। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर डी एक्स, इसमें क्या पुट करें, पुट वन प्लस लॉग एक्स को हम क्या पुट कर देते हैं, टी। डेरिवेटिव किया वन अपॉन एक्स इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, और यहां से क्या आ गया, वन बाय एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, डी टी।
हमारी इस सारे की वैल्यू क्या आ गई है, डीटी। तो इंटीग्रेशन किसमें चेंज हो गया, ये तो सारा डीटी बन गया वन, और वन प्लस लॉग एक्स को क्या पुट किया है, टी का स्क्वायर। देखो सारा फंक्शन किसमें चेंज हो गया, इंटीग्रेशन वन बाय टी स्क्वायर डीटी, और इसका इंटीग्रेशन हमें आता है, ये क्या है, टी की वैल्यू माइनस टू। इंटीग्रेशन क्या कहता है, माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी, ये बनेगा माइनस वन बाय टी प्लस सी। टी को दोबारा रिप्लेस कर दीजिए, माइनस वन अपॉन वन प्लस लॉग एक्स प्लस सी। यहां ऐसे लगता है हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, कितना टिपिकल सा सम था, उसमें जस्ट सब्स्टिट्यूट करके रिप्लेस करके टी की फॉर्म में लाके एक बिल्कुल इजीएस्ट सा इंटीग्रेशन बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डीएक्स, इसमें क्या पुट करें, लॉग साइन एक्स को पुट कीजिए टी, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और डी टी बाय डी एक्स, कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। देखिए आ रहा है ना, टी की फॉर्म में कॉट एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, डी टी। कॉट एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, डी टी, और इस पूरे को हमने क्या माना था, टी। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन गया, ये टी डी टी, और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है टी स्क्वायर बाय टू प्लस सी, टी को रिप्लेस करना ना भूलें, लॉग साइन टी, लॉग साइन टी बाय टू प्लस सी, इसका स्क्वायर है, ये आंसर है। ठीक है, बिल्कुल इजीएस्ट सा बन गया था सम, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किसको टी पुट करें कि हमारे डीएक्स वाली टर्म किसी के साथ मिलके उसका डेरिवेटिव मिल जाए हमें, और वह सारा टी में चेंज हो जाए। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन में वन प्लस कॉट एक्स, अब इसको तो डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे हम, हमें क्या पता है, कॉट की वैल्यू पुट कीजिए, वन प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, एलसीएम लेंगे और फिर पलट जाएगी टर्म, क्या बनेगी ये, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए वन बाय टू से मल्टीप्लाई किया और टू से डिवाइड किया, क्यों किया, इसका एक रीजन है, ऐसे तो डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं होता, इसका डेरिवेटिव करते तो फिर उसमें दो टर्म आती और बन नहीं रहा था सारा टी की फॉर्म में, इसलिए इसको चेंज किया। इसको हम क्या लिखेंगे, टू साइन एक्स को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, हमने कॉस एक्स को ही ऐड किया और कॉस एक्स को ही माइनस किया, और टू साइन एक्स था साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू साइन एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल आउट, इसी को ही हमने खोल दिया है, अपनी तरफ से कॉस एक्स ऐड किया है, कॉस एक्स माइनस किया है, क्यों किया है, देखिए इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएंगे ये, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स, यहां पे भी डीएक्स लगा दीजिए। अब देखिए तो कैंसिल आउट, क्या बच गया, वन वन बाय टू एक्स प्लस वन बाय टू इंटीग्रेशन, ये बच गया हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। अब देखिए ध्यान से, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, इसी फॉर्म में आएगा, अब इसमें पुट कर देते हैं हम, पुट इसको कुछ मान लीजिए वन बाय टू एक्स प्लस वन बाय टू, इसको आई वन मान लीजिए, इंटीग्रेशन मान लिया हमने, जस्ट एक नोटेशन दे दी क्योंकि फिर ये एक नया क्वेश्चन बन गया, ये तो सिंप्लीफाई हो गया बट फिर ये क्वेश्चन बन गया, अब तक जो हम कर रहे थे इसमें टी मानेंगे फिर डीटी की फॉर्म में निकालेंगे फिर डेरिवेटिव करके इंटीग्रेशन, तो ये लंबा प्रोसीजर है, इसलिए इसको एक नाम दे दिया आई वन, जस्ट एक नोटेशन, जैसे इसको दिया था ना ये इंटीग्रेशन है वैसे ही। अब देखिए इस आई वन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, आई वन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स, पुट किया
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या पुट किया, टी। डेरिवेटिव कीजिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और ये माइनस साइन एक्स डी टी बाय डी एक्स। और यहां से वैल्यू निकालेंगे हम, माइनस और कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा यहां पे, माइनस कॉमन लेते ही माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखिए आगे ना हमारा, माइनस का कॉस एक्स और प्लस का साइन एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी। माइनस का साइन उस साइड ले जाइए, मल्टीप्लाई में है, ये क्या हो जाएगा माइनस डी टी, इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, एक स्टेप और मिटो सकती हूं मैं यहां पे। ठीक है, अब आपका आई वन क्या बन गया, इंटीग्रेशन वन बाय टी, और ये सारा तो क्या बन गया था, माइनस का डी टी, माइनस का डी टी, और इसका इंटीग्रेशन हमें आता है माइनस में लॉग टी। ठीक है, आप सी में कंफ्यूज नहीं होना, इसको सी वन मान सकते हो, साथ में सी टू मान सकते हो, और बाद में जब हम कंबाइन करेंगे तो उसे सी नाम दे देंगे। ठीक है, जस्ट एक कॉन्स्टेंट है, इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट ये साथ में आएंगे जरूर। अब वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, ये एक्स नहीं था, यहाँ पे वन था, और वन का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव कर रहे थे। तो अब आई हमारे पास फुल सॉल्व होके क्या आ गया, वन बाय टू टी प्लस, ये तो एक्स कट गया था, यहाँ पे क्या था, इंटीग्रेशन वन था, सारा ही कट गया था, हमने टी तो सिर्फ इसमें पुट किया है, ये एक्स ही टर्म है। वन बाय टू, आई वन की वैल्यू को रिप्लेस कीजिए, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस में लॉग टी प्लस सी। अब टी को रिप्लेस कर देंगे हम। ठीक है, टी को हमने क्या माना था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सिर्फ इसी में माना था, इसमें नहीं माना था हमने, ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया था, वन बचा था सिर्फ, माइनस वन बाय टू लॉग की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस में सी। तो ये आपका फंक्शन था, यहाँ पे देखो, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये इंटीग्रेशन की फॉर्म में उसका सोल्व हो गया। देखो किस तरह से एक बड़ा सा क्वेश्चन था, उसको दो पार्ट में हमने सोल्व किया, टी की पार्ट में किया, सब्स्टिट्यूट किया, बट कैसे किया, क्या पुट किया, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन टू की पावर एक्स अपॉन वन माइनस फोर की पावर एक्स अंडर द रूट डी एक्स। इसमें हमने क्या किया, पुट किया टू की पावर एक्स को टी, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है, ए की पावर एक्स लॉग ए, और डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, टू एक्स डी एक्स की, टू मल्टी डी एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में आ गया, और ये बन गया वन बाय टू लॉग, वन बाय लॉग टू डी टी। रिप्लेस कीजिए वैल्यू को, आई हमारे पास क्या बन गया, वन बाय लॉग टू, और साथ में अंडर द रूट वन माइनस फोर की पावर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, टी की स्क्वायर। कैसे आएगी ये वैल्यू, देखो फोर की पावर एक्स, इसको हम लिख सकते हैं टू की पावर टू और उसकी पावर एक्स, जब पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई होती है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और टू की पावर एक्स की वैल्यू क्या है, टी, ये क्या बन गया आपका, टी स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, सारा डी टी की फॉर्म में आ गया है, वन बाय लॉग टू कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, अंडर द रूट वन माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये किसका इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स टी का, वन अपॉन में लॉग टू साइन इनवर्स टी प्लस सी, टी को दोबारा रिप्लेस मत करना भूलिए, वन अपॉन लॉग टू साइन इनवर्स टू की पावर एक्स प्लस में सी। एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लीजिए, मैंने हर टाइप का एक एग्जाम्पल आपको करा दिया है, एक्सरसाइज में इसमें रिलेटेड बहुत सारे सम है, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए साइन क्यूब एक्स को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स, थ्री टाइम्स था ना, टू और वन टाइम, एक फॉर्मूला था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक में, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालिए, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स
dx। अब हम पुट करेंगे, किसको पुट करें, पुट कीजिए cos x को t पुट कर दीजिए, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सिर्फ साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालिए, माइनस में डी टी। अगर हम यहां रिप्लेस करें तो ये क्या बनेगा, वन माइनस टी स्क्वेयर और माइनस में डी टी। अब इजी हो गया बिल्कुल क्वेश्चन हमारे लिए, मल्टीप्लाई कीजिए टी स्क्वेयर माइनस टी की पावर फोर डी टी। अगर माइनस के टर्म को खोलें तो ये क्या बनेगा, माइनस का टी स्क्वेयर प्लस में टी की पावर फोर डी टी। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी निकालिए, इन्हें अलग अलग कर लीजिए। टी की स्क्वेयर का इंटीग्रेशन माइनस टी क्यू बाय थ्री प्लस टी की पावर फाइव बाय फाइव प्लस में सी। टी को दोबारा रिप्लेस मत करना भूलिए, कॉस की फॉर्म में। तो इस तरह से हमने सारे एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिए। अब हम एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे सॉल्व करने हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन डी एक्स, इसको हमने क्या मान लिया, i। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाते हैं, इनको अलग अलग कर देते हैं, x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन सीधा नहीं होगा, हमें टी की फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, तो इसको हमने इंटीग्रेशन आई वन मान लिया, जस्ट एक नोटेशन है। और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में सी। आई वन को सॉल्व करेंगे अलग से। आई वन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन डी एक्स। पुट किया हमने एक्स स्क्वेयर प्लस वन को, टी डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वैल्यू निकाली 2x dx की वैल्यू निकाली dt, बट हमारे पास यहाँ पे क्या है, x dx, x dx की वैल्यू निकाली 1 बाय टू डी टी। रिप्लेस किया 1 बाय टू इंटीग्रेशन 1 बाय टी डी टी और इसका डेरिवेटिव हमें आता है log t प्लस सी। सी दो बार आ गया है, अब इसको सी वन मान लीजिए, इसको सी टू मान लीजिए, ठीक है। वैल्यू रिप्लेस करेंगे, log t की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस सी टू। अगर इंटीग्रेशन देखें तो यहाँ पे आई वन की वैल्यू पुट कीजिए, वन बाय टू लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस सी टू प्लस माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी वन। जो कांस्टेंट हैं इनको हम एक साथ वैल्यू चेंज कर देंगे इनकी, लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस वन माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो कई बार यहाँ पे सी ना हो या यहाँ ना हो तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सी एक साथ इसी में ही सारे कांस्टेंट आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन एक्स अपॉन अंडर द रूट एक्स माइनस ए डी एक्स। अब इसमें क्या किया, हमने अपनी तरफ से ए माइनस कर दिया और ए प्लस कर दिया, अलग अलग कीजिए इसको, इंटीग्रेशन एक्स माइनस ए रूट एक्स माइनस ए प्लस ए इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट एक्स माइनस ए डी एक्स। कटेगा तो क्या आ जाएगा, रूट एक्स माइनस ए डी एक्स प्लस में ए इंटीग्रेशन वन अपॉन में रूट एक्स माइनस ए डी एक्स। इसमें हमें टी वगैरह पुट करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही हो रहा है, चाहो तो कर भी सकते हो ना, डायरेक्ट भी हो रहा है। इसकी वैल्यू क्या है, वन बाय टू, और यहां पे वैल्यू क्या है एक्स माइनस ए की, माइनस वन बाय टू। अब हमें निकालना आता है इसका इंटीग्रेशन, एक्स माइनस ए की पावर वन बाय टू प्लस वन अपॉन वन बाय टू प्लस वन प्लस में ए, एक्स माइनस ए की पावर माइनस वन बाय टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाय टू प्लस वन प्लस में सी। आगे एलसीएम ले गए, इसको सिंप्लीफाई आप इजीली कर सकते हैं। जस्ट सिर्फ आपको समझाने का ये पर्पस था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कराने के लिए अपनी तरफ से ए प्लस माइनस कर दिया और अब ये सिंपल फंक्शन बन गया है, इसका हमें इंटीग्रेशन पता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
इंटीग्रेशन लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स डीएक्स। अब लॉग की प्रॉपर्टी हमें पता है, पावर आगे आ जाती है, टू लॉग एक्स अपॉन में एक्स डीएक्स। ये इजीएस्ट सा फंक्शन हमें साफ पता लग रहा है। हमने क्या पुट किया, लॉग एक्स को हमने टी पुट किया, डेरिवेटिव हमारा क्या आ गया, वन बाय एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, डी टी। तो आई क्या बन गया, ये सारी वैल्यू टी और ये सारी वैल्यू तो क्या आ गई है, डी टी। सिर्फ इतना ही बन गया हमारे पास। इंटीग्रेशन हमें इसका पता है, टी स्क्वेयर बाय टू। टी की वैल्यू को दोबारा रिप्लेस करना मत भूलिए। देखिए किस तरह कितना अजीब सा फंक्शन था, लॉग एक्स स्क्वेयर और उसकी पावर एक्स। हमने जस्ट पावर को सॉल्व किया, फिर टी की फॉर्म में लेके आए, हमारा पूरा फंक्शन टी की फॉर्म में आ गया और बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, ऐसी फॉर्म में जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यही है कि हमें डायरेक्ट नहीं पता होता, बस सब्स्टिट्यूट के बाद जो वैल्यू हमारे पास बचती है उसका हमें इंटीग्रेशन पता होता है और हम उस सम को इजिली कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन वन अपॉन में एक्स लॉग लॉग एक्स डीएक्स। देखिए हम क्या करते हैं, लॉग लॉग एक्स को हमने क्या पुट कर दिया, टी। इस सारे को हमने क्या मान लिया, टी। इसका डेरिवेटिव कीजिए, वन अपॉन में लॉग एक्स और फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन में एक्स डी टी बाय डी एक्स। ये क्या बन गया, वन अपॉन में एक्स लॉग एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ध्यान से देखिए, वन अपॉन में एक्स लॉग एक्स डी एक्स। इस सारे की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, जस्ट डी टी। इंटीग्रेशन डी टी और इसको हमने क्या माना था, टी। ये फंक्शन बन गया, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, लॉग टी प्लस सी। टी को रिप्लेस करना मत भूलिए, लॉग 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 ऑफ एक्स प्लस सी। हालांकि देखा जाए तो क्वेश्चन कितना मुश्किल था, लॉग एक्स है फिर लॉग है फिर लॉग एक्स है, जस्ट एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन से मेथड बिल्कुल क्या आ गया हमारे पास, क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा बन गया है। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स क्यूब डीएक्स। पुट किया हमने एक्स क्यूब को टी, डेरिवेटिव निकाला थ्री एक्स स्क्वेयर इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। बट हमें वैल्यू क्या चाहिए, एक्स स्क्वेयर डी एक्स की, तो वो क्या बनेगी, वन बाय थ्री डी टी। रिप्लेस कीजिए, क्या बन गया फंक्शन, वन बाय थ्री बाहर लिया, इस सारे की जगह डी टी आ गया है और ये बन गया आपका साइन स्क्वेयर टी डी टी। साइन स्क्वेयर से रिलेटेड एक फॉर्मूला था हमारे पास, वन माइनस में कोस टू टी बाय टू डी टी। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन्हें अलग अलग कीजिए और इन दोनों का इंटीग्रेशन हमें इजीली आता है। ये तो क्या बन गया आएगा, वन बाय सिक्स इंटीग्रेशन वन डी टी माइनस वन बाय टू इंटीग्रेशन कोस टू टी डी टी। इसको आप इजीली आगे कर सकते हैं, कर लेंगे। आई वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी। कॉस का इंटीग्रेशन साइन की फॉर्म में और फिर टी को रिप्लेस करना ना भूले, टी की जगह क्या लिखना है हमने, एक्स क्यूब। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम करते इसीलिए हैं, इंटीग्रेशन के तीन मेथड होते हैं, उनमें से फर्स्ट वन क्या है, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। नेक्स्ट देखिए, अगर ई की फॉर्म वाला क्वेश्चन आ जाए, ऑलमोस्ट क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे, इस क्वेश्चन में आ जाए तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में e की पावर x को कॉमन ले लिया, क्या बनेगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तभी तो इन दोनों की मल्टीप्लाई वन तभी तो आएगी। e की पावर x को कॉमन लिया, e की पावर माइनस e की पावर माइनस x dx, दिस वन इज कैंसिल आउट, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx। अब किस t की फॉर्म में लेके आएंगे, पुट e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x को t पुट किया, डेरिवेटिव e की पावर x का प्लस e की पावर माइनस x dt बाय dx। यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, इस dx के साथ की dt। देखो इस सारे की वैल्यू क्या आ गई है, dt, और इसको क्या रिप्लेस कर देंगे, 1 बाय t dt। इंटीग्रेशन हमें पता है, log ऑफ t प्लस c, t को रिप्लेस करना मत भूलो।
देखो कितना मुश्किल क्वेश्चन था, ऐसा फंक्शन था जिसका इंटीग्रेशन का हमें बिल्कुल अता पता नहीं था। हमने जस्ट एक को क्या किया, हमने e की पावर x को कॉमन लिया और हमें इस तरह का फंक्शन मिल गया कि एक फंक्शन है, दूसरा उसका डेरिवेटिव की टाइप की फॉर्म में है, t की फॉर्म में चेंज होते ही फिर हमने इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। एंड द लास्ट एक्सरसाइज का सम और देखिए, रूट टेंजेंट एक्स अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब इसमें कैसे पुट करेंगे, देखो रूट में है टेंजेंट, टेंजेंट को कुछ भी पुट कर लें ये रूट हमें परेशान करेगा, इसलिए हमने अपनी तरफ से क्या किया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि जब टेंजेंट है तो उसके साथ डेरिवेटिव सिकेंट की फॉर्म में आता है, इसलिए चेंज किया। अंडर द रूट टेंजेंट एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। रूट टेंजेंट एक्स वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बना, सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन में, एक बार कैंसिल आउट, साइन अपॉन में कॉस क्या बन गया है, टेंजेंट एक्स डी एक्स। ध्यान से सॉल्व करें तो क्या बनेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, अंडर द रूट टेंजेंट एक्स डी एक्स। अब इजी है, हम टेंजेंट को क्या मान ले, टी, टेंजेंट एक्स को हमने क्या पुट कर दिया, टी, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी टी बाय डी एक्स, यानी कि सीकेंट स्क्वेयर डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, डी टी। ये क्वेश्चन बन गया वन अपॉन रूट टी डी टी, और इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं। ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में सबके आपको एग्जांपल्स के, एक्सरसाइज के, एनसीईआरटी के, एलिमेंट्स के सबके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और मेरे चैनल आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।